चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में बुधवार को मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है। इस मुकाबले में एक और इंग्लैंड की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक अजेय रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम है जिसे एकदम अविश्वसनीय टीम माना जा रहा है। इंग्लैंड को टूर्नामेंट की शुरुआत से फेवरेट माना जा रहा है। टीम अपने तीनों ग्रुप मैच जीत कर सेमीफाइनल में पहुंची है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के प्रभावी अंदाज में हराने के बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है। वहीं पाकिस्तान की टीम भारत के हाथों हारने के अलावा श्रीलंका के खिलाफ भी एक समय पर हार की कगार पर नजर आ रही थी, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने बेहतरीन और जिम्मेदारी वाली पारी खेलकर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक और जोरदार मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। और खास बात यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 25 साल बाद किसी टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में भिड़ रही हैं। इससे पहले दोनों टीमें नॉकआउट राउंड में 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने हुई थी। 25 मार्च 1992 को एडिलेड में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 249 रन बनाए थे। इमरान खान ने कप्तानी पारी खेलते हुए सबसे ज़्यादा 72 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 50वें ओवर में 227 रनों पर सिमट गई थी। नील फेयर ब्रदर्स ने 62 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी टीम पिछड़ गई थी। पाकिस्तान ने 22 रनों की जीत के साथ वर्ल्ड कप जीतकर अपने कप्तान इमरान खान को शानदार विदाई दी थी। हालांकि इस टूर्नामेंट के ग्रुप मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को महज 74 रनों पर समेट दिया था। बारिश के चलते इस मुकाबले को रद्द करना पड़ा था, नहीं तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट से बोरिया बिस्तर बन जाता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंग्लैंड 25 साल पहले मिली हार का बदला अपने घरेलू मैदान पर ले पाएगा? जो रूट, यॉन मॉर्गन और एलेक्स हेल्स जैसे बल्लेबाज जोरदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वहीं गेंदबाजी में विलियम प्लंकेट और आदिल राशिद का प्रदर्शन शानदार रहा है। बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर भी टीम में मौजूद है, वहीं टीम प्रबंधन सेमीफाइनल मुकाबले के लिए सलामी बल्लेबाज जेसन राय की जगह जॉनी बेयरस्टो को सलामी बल्लेबाज के तौर पर आजमा सकता है। इंग्लिश टीम को अपने घरेलू मैदान पर खेलने का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, पिछले 14 वनडे मुकाबलों में 12 बार इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है। ऐसे में मैच के दौरान सबकी नज़रें इस बात पर टिकी होंगी कि 25 साल बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल की हार का हिसाब चुकता कर पाएगा या फिर पाकिस्तानी टीम एक बार फिर उलटफेर कर दिखाएगी। क्रिकेट और दुनिया की कई खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर इंडिया। खबर इंडिया से गोविंद अवस्थी की रिपोर्ट।